हाय गाइस, आज हम लोग जानेंगे कि जो भी फील्ड हम लोग बनाते हैं फॉर्म फील्ड, उसमें जो एरर हमें मिलता है उस एरर को कैसे आप एक्सेस करेंगे और इसको कैसे कस्टमाइज करेंगे, कैसे उसमें सीएसएस अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग आज देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है फील्ड एरर। एक्चुअली में यहाँ पर हमारा टॉपिक हो सकता था रेंडर मैनुअल फील्ड्स, इस तरीके से जो हम लोग पहले भी पढ़ा हुआ है अलग अलग चीजों के लिए, बट एरर के लिए हम लोगों ने उस वक्त छोड़ दिया था जो हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। तो हमारे पास ये है एक जिसके थ्रू हम लोग एरर्स को रेंडर करवाते हैं। इट आउटपुट्स एक UL आउटपुट करता है जिसमें एक क्लास होता है एरर लिस्ट नाम का, ये एक क्लास होता है। ये जब रेंडर होगा तो ये आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा HTML टेम्पलेट फाइल में आपको, कंटेनिंग एनी वैलिडेशन एरर कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड। तो जो भी फील्ड रहेगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी एरर जनरेट होगा वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यू कैन कस्टमाइज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एरर विथ अ परसेंट फॉर एरर इन फील्ड्स डॉट एरर्स। फॉर यहाँ पर इसीलिए लिखा है बिकॉज एक फील्ड में बहुत सारे एरर हो सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि ईमेल फील्ड हो तो ईमेल का एक एरर हो सकता है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड अगर आपने खाली इसको छोड़ दिया है तो। फिर दूसरा उसका एरर हो सकता है कि अगर आपने सही फॉर्मेट नहीं लिखा ईमेल का तो कहेगा इंटर वैलिड ईमेल। तो मोर देन वन एरर भी हो सकते हैं एक फील्ड के लिए, इसीलिए आप फोर का यूज कर सकते हैं। इन दिस केस ईच ऑब्जेक्ट इन द लूप इज अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द एरर मैसेज। इसका एग्जांपल अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इस तरीके से आपको लिखना होता है। अगर आप स्पेसिफिक फील्ड के लिए हम लोग अगर लिखते हैं एरर, मतलब एरर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो फॉर्म लिखना है, यानी कि जब आपका फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा वह लिखना है डॉट, देन यहाँ पर आपको फील्ड नेम लिखना है, देन आपको एरर से लिखना है। जिस भी फील्ड नेम का एरर आपको एक्सेस करना है उस फील्ड नेम का यहाँ पर लिखेंगे या एट्रीब्यूट को लिखेंगे, देन आपको एरर से लिखना है। अगर इस फील्ड में यानी कि नेम में कोई एरर अगर जनरेट होता है अकर होता है तो वह आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा HTML के फॉर्म में। UL रहेगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनेगा, क्लास इसका एरर लिस्ट रहेगा और ये LI में पहला इंटर योर नेम या फिर जो भी एरर होगा दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड तो वह आपको देखने को मिलेगा जब हम राइट क्लिक करके सोर्स पेज देखेंगे तब। तो हमें एक क्लास मिल जाता है एरर लिस्ट। अब इस एरर लिस्ट का यूज करके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, इस प्रेजेंटेशन को आप चेंज कर इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और है फॉर्म डॉट नॉन अंडरस्कोर फील्ड अंडरस्कोर एरर्स। दिस शुड बी एट द टॉप ऑफ द फॉर्म एंड द टेम्पलेट लुकअप फॉर एरर्स ऑन ईच फील्ड। तो ये आपको टॉप ऑफ द फॉर्म में लिखना है। ये लेने से हर एक फील्ड में एक एरर आता है उसको ये लुकअप करता है। इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप देखते हैं फॉर्म डॉट नॉन फील्ड एरर्स, इससे जो बनेगा हमें वह कुछ इस तरीके से एरर हमें देखने को मिलेगा। क्लास एरर लिस्ट, इसमें एक और क्लास आता है नॉन फील्ड का और ये जेनेरिक वैलिडेशन एरर जो भी होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इसको स्टाइल करने की बात करें यानी कि स्टाइल चेंगो फॉर्म एरर्स। If you render a bound form object, the act of rendering will automatically run the form's validation if it hasn't already happened, and the HTML output will include the validation error as UL class this or near the field. तो अगर कोई bound form है यानी कि जिस form में data होता है और उसमें अगर कुछ validation error आता है तो validation error आपको देखने को मिल जाएगा UL के साथ। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लास भी रहता है जो कि है एरर लिस्ट नाम का। तो इस क्लास का आप यूज़ कर सकते हैं इसको स्टाइल देने के लिए। तो वी कैन यूज़ दिस क्लास एरर लिस्ट टू स्टाइल एरर, तो हम लोग ये यूज़ करने वाले हैं। चलिए मैं आपको पहले इतना दिखा देता हूँ, फिर हम लोग कुछ और थोड़ी सी बातें करेंगे। एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं GS45। हमने GS45 एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उस पहले वाले को कॉपी कर लेते हैं, एप्लीकेशन को कॉपी करके इसमें कर देना है पेस्ट। और यहाँ पर इसके सेटिंग फाइल में जाकर हमें पहले इसको इंस्टॉल कर देना है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है इनरोल और इसको सेव करके इसको कट कर दीजिए। अब इसमें से हमें URL फाइल को कॉपी करना है, ये वाला यहाँ से बस इतना कॉपी करना है और नए वाले में आना है और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बस इतना करना है, हमें ये कट कर देना है और हमारा ये तैयार है हमारा एप्लीकेशन। तो ये बस हमने 44 को कॉपी करके 45 में डाल दिया हुआ है। देखते हैं रन करके कि क्या इसमें होता है और हमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा हमारे इस एग्जांपल के लिए। तो रन सर्वर मैंने किया 45 के लिए और हमारा सर्वर सही तरीके से रन कर रहा है। यहाँ आते हैं और इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमारा अभी इस तरीके से, तो हमें इतना फील्ड नहीं चाहिए, हम पासवर्ड वाला हम लोग हटा देंगे। तो यहाँ पर आते हैं हमारा forms.py फाइल, view.py फाइल और हमारा सबसे मेन इसका टेम्पलेट वाला फाइल। व्यूज़ में से ये दो चीज़ मैं हटा देता हूँ, सिर्फ नेम और ईमेल रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी।
और ये हमें नहीं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है यार, ये हमने क्यों रखा, ये हम रिलेट नहीं कर रहे थे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हमने कहीं यूज़ तो नहीं किया हुआ है, नहीं नहीं किया हुआ है। तो फॉर्म में से मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ पूरे क्लीन को, और ये पासवर्ड भी हमें नहीं चाहिए तो ये मैं हटा देता हूँ। हमें कुछ वैलिडेशन लगाना पड़ेगा ताकि एरर आए हमें, और उस एरर को हम लोग स्टाइल देना सीखें। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एक रिक्वायर्ड का नेम में एरर मैसेज। अभी अभी इसमें डिफ़ॉल्ट है क्या, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। अगर आप इसको सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करके अगर इसमें सबमिट में क्लिक करेंगे तो दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड आता है। बट मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड ना लिख कर यहाँ पर मुझे दिखाई देना चाहिए इंटर योर नेम। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरर मैसेज ये वाला आपको यूज़ करना है। ये एक डिक्शनरी लेता है जिसका की आपको देना है रिक्वायर्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड के लिए हम लोग एरर मैसेज चेंज करने वाले हैं। तो रिक्वायर्ड लिखना है, इसका वैल्यू हमें देना है इंटर योर नेम। अभी हम लोग इसको सेव करके अगर अभी हम लोग इसको एम्प्टी में लेकर चलते हैं, यानी कि रिफ्रेश किया, अभी सबमिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कहेगा इंटर योर नेम बजाय दिस फील्ड रिक्वायर्ड, यानी कि हमने सिर्फ इसमें लिखा था तो सिर्फ इसी के एरर में हमें ये देखने को मिल रहा है। इस तरह से ईमेल में आता हूँ, ईमेल में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे पहले तो ये चेंज कर देता हूँ, मैं ये वाला मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसमें करता हूँ इंटर योर ईमेल। ईमेल अभी देखिए मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो ऊपर वाले में इंटर योर नेम आएगा, नीचे वाले में इंटर योर ईमेल आएगा। तो टेक्स्ट कैसे चेंज करना है ये हमने सीख लिया पहली बात। एक और हम लोग फील्ड बनाते हैं पासवर्ड का। एक्चुअली मैं यहाँ पर पासवर्ड का एक मैं बना देता हूँ, हमने बनाया हुआ था बट हमने डिलीट कर दिया, हम डिलीट नहीं करना चाहिए था। पासवर्ड इक्वल, इसमें से एक मैं इसको क्विकली इसको लिख देता हूँ। मैंने पासवर्ड के लिए यहाँ पर एक फील्ड बना दिया, साथ में व्यू में भी मैंने पासवर्ड को लिख दिया हुआ है। ओके, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे और सबमिट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा इंटर योर नेम इंटर योर ईमेल, और ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसको हम लोग इसको भी हम लोग चेंज कर देंगे। अभी यहाँ पर हम लोग सिंपली एरर मैसेज ये यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे। विजिट को भी रहने देते हैं ऐसे ही, यहाँ पर हम लोग इसको डाल देते हैं। यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड कर देंगे, इंटर योर ईमेल की जगह पर इंटर योर पासवर्ड। सेव किया, इसको सेव करने के बाद इसको करेंगे रिफ्रेश, सबमिट करेंगे। देखिए इंटर योर ईमेल इसके लिए, फिर इंटर योर ईमेल सॉरी इंटर योर नेम इसके लिए, इंटर योर ईमेल इसके लिए, और इंटर योर पासवर्ड इस फील्ड के लिए। तो टेक्स्ट आपको चेंज करना आ गया कुछ इस तरीके से। सबसे आसान तरीका यही कि आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं एरर मैसेज रिक्वायर्ड के लिए। ये रिक्वायर्ड के लिए सिर्फ चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, सबमिट में क्लिक कर देखिए हमें यहाँ एरर मिल रहा है। इसका हम लोग अभी व्यू सोर्स में जाकर देखेंगे तो हमें देखिए हर एक एरर के लिए एक यूएल मिलेगा जिसमें हमारा एलआई के अंदर एरर मैसेज रहेगा। तो नेम के लिए ये हो गया, फिर एक यूएल आपको यहाँ पर मिल जाएगा ईमेल वाले के लिए, एक यूएल आपको यहाँ पर मिल जाएगा पासवर्ड वाले के लिए, और इसमें एक क्लास है एरर लिस्ट नाम का। तो ये तो हमें यहाँ से देखने को मिल जाता है, जब तक ये एरर ना हो तब तक ये मिलेगा। जैसे कि अभी हमें हमारा कोई एरर नहीं है, अगर हम लोग व्यू सर्च करेंगे तो हमें कोई भी ईमेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे इसमें एरर आता ही ऑटोमेटिकली हमारा बनता है और अब हमें ईमेल देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी मेरा क्या मेरे ध्यान में क्या आ रहा है कि मेरे ध्यान में पहली चीज़ ये आ रही कि ये बुलेट मुझे नहीं चाहिए, ये बुलेट मुझे नहीं चाहिए। अब एरर मैसेज आता है तो बुलेट में आता है, नहीं आता है तो ये बुलेट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सी एस एस यूज़ करके इस बुलेट को हटा दूंगा। सी एस एस यूज़ करूंगा मैं कहाँ पर, हमें जाना है यहाँ अपने इस फाइल में, बिकॉज यहीं पर हमारा एचटीएमएल का कोड लिखा हुआ है। तो यहीं पर आना है और आपको स्टाइल टैग लिखना है। स्टाइल जिन जिन तरीक़ों से मैंने आपको बताया है कि आप सी एस एस का फाइल लिख सकते हैं, उन सभी तरीक़ों से आप इसको कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर इंटरनली लिख कर दिखा रहा हूँ। तो स्टाइल टैग लिखना है, स्टाइल टैग के अंदर हमारा क्लास है क्या एरर लिस्ट। तो इसको मैंने टारगेट बनाया, इसको टारगेट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उस बुलेट को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको कर देंगे नन। तो हमारा ये बुलेट जो है हमारा वहाँ से रिमूव हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी सबमिट में क्लिक करेंगे, देखिए बुलेट हमारा हट गया। मुझे अगर ये लाल कलर में चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर दूँगा, टेक्स्ट कलर। तो कलर
रेड। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे ये देखिए लाल कलर में मिल रहा है। उसके बाद मुझे अगर ये इसमें से मार्जिन और पैडिंग हटा देना है, या फिर मुझे अगर इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा करना है, बहुत बड़ा एरर दिखाई दे रहा है, थोड़ा छोटा करना है, तो मैं फॉन्ट साइज इसका बना दे सकता हूँ यहीं पर। मतलब जो भी सी से सब आप देना चाहते हैं एरर्स के लिए, वह आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने फॉन्ट साइज़ 10px इसको दे दिया, और मुझे मैं मार्जिन वगैरह भी इसमें दे देता हूँ, सेट कर देता हूँ। मैंने मार्जिन इसको दे दिया 0 का, और इसका पैडिंग भी मैं कर देता हूँ 0 का। सेव कीजिए इसको। सेव करने के बाद इसको जब आप रिफ्रेश करके यहाँ सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये छोटा दिखाई देगा, प्लस ये मार्जिन और पैडिंग यहाँ से रिमूव हो गया। लेकिन इससे मुझे एक चीज़ अभी भी क्या लग रहा है हमारा, देखिए ये दिखने में अब ठीक ठाक लग रहा है, पहले से बेहतर है, एरर इसी तरीके से दिखाई देता है, बट इसका जो लोकेशन है वो सही जगह पर नहीं, यहाँ पर ना आकर अगर यहाँ पर आए, मतलब हम जहाँ चाहें वहाँ पर अगर ये दिखाई दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वह भी आप अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होता है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो नेम वाला है वह नेम के बगल में आए, ईमेल वाला जो एरर है वो ईमेल के बगल में यहाँ पर आए, पासवर्ड का जो एरर है वो पासवर्ड के बगल में आए। तो हमें एक एक को पहले रेंडर करवाना पड़ेगा, यानी कि ये वाला ना यूज़ करके अगर हम लोग एक एक फोर लूप लगाकर अगर करते हैं, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो उससे हमारा काम हो जाएगा। इससे पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एरर के लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आपको ये वाला फॉर्म के जस्ट नीचे आपको ये वाला लिखना है, टोकन के बाद क्या लिखना है, फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट नन फील्ड अंडरस्कोर एरर्स, ये आपको एक लिख देना है, ठीक है। ये हमने फॉर्म कहाँ से लिखा हुआ है, जो यहाँ से ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा की बन रहा है ये फॉर्म, तो यही वाला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिख देना है आपको। देन हम लोग यहाँ पर फोर लूप यूज़ करेंगे। अब ये हमारा काम अभी नहीं आएगा, इसको मैंने पहले मैंने हटा दिया। यहाँ पर हम लोग फोर लूप यूज़ करने वाले हैं, और एक एक फील्ड को हम लोग करवाएंगे इंडिविजुअली। तो फोर फील्ड इन फॉर्म, यानी कि फॉर्म में से फील्ड निकालो, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इंड फोर। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना लेबल टैग दिखाएंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होता है क्या, मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, फील्ड डॉट लेबल अंडरस्कोर टैग, इससे हमें लेबल मिल जाएगा। इसके साथ हमें फील्ड भी चाहिए, तो हम लोग फील्ड लिख देंगे। इतना मैंने सेव किया, सेव करने के बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर रिफ्रेश करेंगे आप तो ये आपको इस तरीके से मिलता है। मैं इसको एक एक डिव के अंदर डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये वाला जो हमारा है ये पूरा, ये हमें एक डिव के अंदर डाल देना, ये इस डिव के अंदर में रहेगा, तो हमें एक एक लाइन में दिखेगा। मैंने सेव किया इसको, सेव करने के बाद अभी अगर हम रिफ्रेश करें तो हमें ये इस तरीके से दिखाई देता है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा हमारे चिपक क्या है बट उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबमिट पर क्लिक करते हैं, हमें एरर अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चूँकि हमने इंडिविजुअली यहाँ पर एक एक को एक्सेस करना शुरू किया है, तो हमें एरर के लिए भी यहाँ पर इस तरीके से लिखना पड़ेगा। एरर के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एरर के लिए आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर फील्ड डॉट एरर्स। अभी सेव कीजिए, सेव करने के बाद अब इसको आप रन कीजिए। अभी जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। पहले ऊपर में आ रहा था, अभी हमारा ये नीचे आ रहा है। इसको अगर हम लोग व्यू सोर्स पेज करेंगे तो ये अभी भी हमारा यूएल के यूएल में है, हमें ये यूएल में नहीं चाहिए। यूएल में ये यूएल में आ रहा है, इसी वजह से ये नीचे आ रहा है, तो यूएल में हमें नहीं चाहिए, हमें इसके साथ में चाहिए, यानी कि यहाँ पर चाहिए। तो इसके लिए हम लोग एक फिल्टर यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये फिल्टर यूज़ करने के लिए पाइप सिंबल लिखना है, और यहाँ पर आपको सिंबल लिखना है स्ट्राइप टैग्स। इतना लिख के सेव कीजिए। सेव करने के बाद जैसे आप इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, ये आपको देखिए इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। ये सिर्फ टेक्स्ट अपने टैग इसमें से हटा दें, जब आप इस तरीके से पाइप सिंबल लिख कर ये लिखते हैं तो जो भी इसमें टैग लगा होता है सारा रिमूव हो जाता है। अगर मैं आपको सोर्स पेज में इसका दिखाऊँ तो देखिए यहाँ पर इंटर योर नेम, कोई भी टैग नहीं है, ना तो यूएल टैग है ना ही कोई और टैग है, तो यहाँ पर कोई भी टैग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इंटर योर ईमेल, कोई भी टैग नहीं है यहाँ पर, ये देखिए कोई टैग नहीं है। अब चूँकि कोई टैग नहीं है तो इसमें कोई क्लास भी नहीं है, कोई क्लास नहीं है इसलिए कोई क्लास का कोई भी रेड रेड में या फिर फॉन्ट साइज कोई भी अप्लाई होकर आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये हमारा अब
यूज़लेस हो गया, अब ये किसी काम का नहीं बचा हमारा। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे हम लोग यूज़ करेंगे? अब तो हम फंस गए, लेकिन हम लोग फंसे नहीं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग एक टैग के अंदर में डाल देते हैं। तो एक स्पैन टैग बनाते हैं, बिकॉज स्पैन टैग सेम लाइन में हमारा रहेगा, और स्पैन टैग के अंदर हम लोग इसको लिख देते हैं। अभी हम लोग इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारा सबमिट में क्लिक किया, ये हमारा स्पैन टैग के अंदर में होगा। हमने इसको व्यू सोर्स में गए, अब ये हमारा एरर जो है वो स्पैन टैग के अंदर है। अब चूंकि ये एक स्पैन टैग के अंदर में है तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। अब इसमें क्लास डाल दीजिए, एरर लिस्ट वाला जो हमने सीएसएस बना के रखा है, इसे मैं अगर इसमें डाल देता हूँ क्लास इक्वल एरर लिस्ट, एरर लिस्ट यही है ना, एरर लिस्ट ही है, एक बार देख लेते हैं। देखिए एरर लिस्ट है, तो ये सीएसएस इसमें अप्लाई हो जाएगा। मैंने इसको सेव किया, अब इसमें से हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी आवश्यकता नहीं है, बिकॉज अब हमारा बुलेट रहा नहीं। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें कुछ चीज़ें और भी रिमूव कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं सब कुछ रहने देता हूँ। इसको मैं रिमूव, इसको मैं रिफ्रेश करूँ और सबमिट में क्लिक करूँ, तो आपको देखिए इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब ये एक बेहतर अप्रोच हमें नज़र आ रहा है। इसमें अगर हम लोग व्यू सोर्स पेज करेंगे तो हमें यहाँ स्पैन में एक क्लास दिखेगा एरर लिस्ट का। तो ये है सीएसएस कैसे अप्लाई करना है एरर में, उसकी कहानी। अब आपको जहाँ भी चाहिए एरर आपका, जैसे कि एरर मुझको यहाँ पर चाहिए तो मैंने यहाँ पर लिखा, अगर आपको एरर जो है आपको यहाँ पर आगे में चाहिए तो आप इसको आगे में लिख दीजिए। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और सबमिट में क्लिक करें तो ये आगे में एरर आने लगेगा। तो जिस भी जगह पर चाहिए बस आपको, अब जो कि हम इंडिविजुअली हर एक चीज़ को पकड़ रहे हैं, यानी कि हम लोग लेबल को भी इंडिविजुअली पकड़ा, हमने इसको भी पकड़ा तो एरर को भी पकड़ा, तो एरर अब हमारे हाथ में है इस स्पैन के कोड की वजह से। आप इसको जहाँ लिखिएगा वहीं पर आपको एरर मैसेज देखने को मिलेगा, सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको अभी तक आपको दो एग्जांपल दिखा हुआ, एक एग्जांपल में हमने कुछ भी नहीं, सिंपल था हमारा, हमने बस उसमें बुलेट को हटाया था, एक और एग्जांपल था, एक एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, और तीनों एग्जांपल के कोड मैं आपको दे दूंगा। बस यहाँ पर मैं आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। तो तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें हम लोग दिखाता हूँ फिर लिखता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या है, अभी मैं आपको इसमें बताऊँ इसमें क्या है। इसमें एक हमारा एरर है, देखिए ठीक है, एरर हमारा ये है कि मैं पहले इसको ठीक कर लेता हूँ। स्पैन ये एरर मैसेज कभी भी आगे नहीं आता है, ये तो बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर किया हुआ। पहले मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी सबमिट में क्लिक किया तो एरर मैसेज ये हमारे बता रहा है इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड। हम कुछ और वैलिडेशन इसमें लगा, इन फील्ड्स में लगाते हैं। ईमेल में लगाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, ईमेल में मैं लगा रहा हूँ मीन लेंथ का, मीन लेंथ इसमें मैं दे देता हूँ 5, और मैक्स लेंथ मैं दे रहा हूँ इसमें 50, क्योंकि मीन लेंथ और मैक्स लेंथ मैंने इसमें दे दिया। और हम लोग अगर चाहें तो पासवर्ड वाले में भी दे देते हैं। इसको कॉपी करता हूँ मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो दोनों में ही मैंने मीन लेंथ और मैक्स लेंथ दे दिया हुआ है। अभी एक अलग वैलिडेशन है जो कि रिक्वायर्ड के लिए, एक वैलिडेशन हमने मीन लेंथ के लिए, एक और वैलिडेशन मैंने मैक्स लेंथ के लिए दे दिया, ईमेल में भी और पासवर्ड में भी। अब इसको हम लोग सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी सबमिट में क्लिक करेंगे, इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, ये हमें बता रहा है। नेम हम लोग इनपुट करते हैं, राहुल मैंने इनपुट किया, और नेम में कोई भी मीन मैक्स लेंथ नहीं है, इसमें है मीन मैक्स लेंथ, तो मैं इसमें मीन लेंथ देता हूँ। मान लीजिए कि हम लोग एरर मीन लेंथ 5 होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर 2 दे रहा हूँ, और हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, इंश्योर दिस हैज़ एटलीस्ट 5 कैरेक्टर, इट हैज़। तो यहाँ दो एरर मैसेज हैं, जो कि दो एरर मैसेज आपको साथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका अगर आप इस तरीके से व्यू सोर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये हमारा स्पैन है, जहाँ पर हमें इंटर योर वैलिड ईमेल एड्रेस और इंश्योर दिस वैल्यू हैज़ एट लीस्ट 5 कैरेक्टर। अभी ये दोनों ही एरर मैसेज एक ही स्पैन के अंदर में आ गए। अब अगर मुझे ये अलग अलग चाहिए, अलग अलग एरर मैसेज, अलग अलग मुझे स्टाइल देना है, या फिर मुझे आवश्यकता पड़ती है कुछ भी करने की, अलग अलग टैग के अंदर चाहिए, तो कैसे आएगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वही मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम लोग अपने इस पेज में। ये एक एग्जांपल हमारे यहाँ तक ख़त्म हो गया, इसमें क्या कमी था वह भी हमने देखा, और इसको कैसे दूर करना है अब हम लोग इसको देखेंगे।
तो सिंपली आपको क्या करना है, ये डिव मैं यहाँ से यहाँ तक हटा देता हूँ, या फिर इसको नहीं हटाते हैं, इसको रहने देते हैं, हम लोग सिर्फ इस एरर मैसेज इस स्पैन को हटा देंगे। इस चीज़ से हमारा लेबल और फील्ड हमें दिखेगा सब। हमने इसको रिफ्रेश किया तो हमें ये सब दिखाया। अब हमें एरर को एरर मेड मोर देन वन एरर है हमारा, तो यहाँ पर आप एरर मैसेज के लिए एक फोर लूप बनाइए। मैंने फोर यानी कब फोर, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरर, और एरर हमारे कहाँ होते हैं, एरर हमारे सब हैं एरर, यहाँ फील्ड डॉट एरर इसमें है, यानी कि इसमें से पहला एरर निकालो एरर में डालो। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले इस फोर को मैं बंद कर लेता हूँ, वरना हम लोग भूल जाएंगे तो हमें काफ़ी नुकसान होगा। एंड फोर, देन हम लोग सिंपली एक स्पैन बनाएंगे और यहाँ पर एरर लिख देंगे बस, और कुछ भी नहीं करना। इसमें आप क्लास दे सकते हैं, जो क्लास था हमारा क्लास इक्वल एरर लिस्ट, एरर लिस्ट, और मैंने इसको सेव कर दिया। तो हमारा अगर मोर देन वन एरर है, जैसे भी हमारा दो एरर था, तो पहला एरर जब आएगा तो ये इस स्पैन के अंदर होगा, फिर दूसरा एरर आएगा तो इस स्पैन के अंदर होगा, अगर एक ही एरर है तो एक ही बार ही आएगा। सिंपल, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद इसको हम लोग करेंगे जी रन। तो हमने इसको किया रिफ्रेश, और देखिए हमने पहले ये पूरा नाम लिख दिया, ये सही है। पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। सबमिट में क्लिक किया तो हमें एरर इंटरियर नेम इंटरियर ईमेल इंटरियर पासवर्ड मिल जा रहा है। अब नाम लिख दिया राहुल, और यहाँ आर ए से लिखा, और सबमिट में क्लिक किया तो हमें देखिए यहाँ पर इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस ये अलग से मिल रहा है, और इंश्योर दिस ये वाला एरर अलग से मिल रहा है। अगर आप इसको देखेंगे व्यू पेज सोर्स में तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो एरर है, देखिए पहला एरर है ईमेल के लिए जिसमें लिखा इंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस, ये एक स्पैन के अंदर है और ये एक दूसरे स्पैन के अंदर है। तो ये वाला आप कर सकते हैं, मतलब अलग अलग स्पैन के अंदर में इसको रख सकते हैं, फिर आपको जो मर्जी जो स्टाइल देना है वह आप दे सकते हैं। अभी आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि यहाँ पर तो हमने सिर्फ एरर लिस्ट दिया हुआ है, एक ही क्लास दिया हुआ है, फिर तो ये दोनों में ही सेम स्टाइल इसमें रहेगा, फिर दोनों एरर मैसेज में सेम स्टाइल ही हमारा रहेगा। तो अब इसमें इसको और बेहतर बना सकते हैं कि ये एरर मैसेज आए तो ये वाला क्लास अप्लाई होना चाहिए, ये वाला एरर मैसेज आए तो ये वाला क्लास अप्लाई होना चाहिए। वह एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको कभी देखेंगे समय मिला तो। लेकिन दोनों एरर मैसेज को आप अलग अलग स्पैन टैग में इस तरीके से डाल सकते हैं। मोर देन वन एरर तो वह अलग अलग स्पैन में रहेगा, और यहाँ देखने में भी एक दूसरे से चिपकता नहीं है, बल्कि थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन होकर मिलता है। तो ये एक बेहतर अप्रोच है, यानी कि ये सबसे बेहतर अप्रोच है आपको अपने फॉर्म को दिखाने का। ये एग्जांपल नंबर थ्री में ये कोड आपको मिल जाएगा। और ध्यान रहे कि जब भी आप फॉर्म बनाते हैं आपको CSRF टोकन देना है। एरर मैसेज के लिए पहले आपको सबसे ऊपर में ये वाला लिख देना है, देन आपको फोर लगाना है, और बाकी के जो काम करने जैसे आप चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा एरर मैसेज, कैसे आपको डिस्प्ले करवाना है, उसका लोकेशन कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कहाँ पर जहाँ पर आप की मर्जी वहाँ पर आप इसको दिखा सकते हैं, उसको कैसे CSS स्टाइल दे सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो ये मैं इस प्रोजेक्ट इस सर्वर को मैं स्टॉप करता हूँ और इस प्रोजेक्ट से बाहर आता हूँ, और एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखाता हूँ। स्टाइलिंग Django फॉर्म एरर्स, Django हमें कुछ हुक देता है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग एरर्स को स्टाइल करने के लिए, जैसे एरर अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर क्लास एंड रिक्वायर्ड अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर क्लास, दीज फॉर्म क्लास हुक्स कैन बी यूज टू ऐड क्लास एट्रीब्यूट टू रिक्वायर्ड रॉज और रॉज विथ एरर्स। तो रिक्वायर्ड और जो एरर्स होते हैं उनके लिए आप इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। रॉज विल बी गिवन एरर एंड और रिक्वायर्ड क्लासेस एज नीडेड। जहाँ भी एरर आएगा वहाँ एरर दिखेगा, जहाँ रिक्वायर्ड का एरर आएगा वहाँ रिक्वायर्ड दिखेगा। इसका एग्जांपल देखिए, आपको आपने अपना जो फॉर्म बनाया वहीं पर आपको लिखना होता है ये एरर अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर क्लास इक्वल एरर आपने लिख दिया, फिर रिक्वायर्ड अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर क्लास इक्वल रिक्वायर्ड आपने लिख दिया। इसको मैं आपको प्रॉपर कोडिंग में दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, नया प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया और पुराने वाले को कॉपी कर लेंगे। ये जो है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके सेटिंग्स फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर देंगे क्विकली, वेरी इजी है ये। इनरॉल
और इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम लोगों को वो URL भी चाहिए, तो URL हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने कॉपी किया और नए वाले में आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना। ये हमने कर दिया पेस्ट। ओके जी, सब कुछ क्लियर है। अभी ये हमारा कैसे दिखता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा हुआ था, मगर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा 46 है और हमें सर्वर रन करना है। सर्वर हमारा रन हो रहा है। ये हमारा कुछ इस तरीके से हमें अभी देखने को मिल रहा है। हमें इसमें से कुछ चीज़ चेंज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इसमें क्या क्या, अभी हमारा इस कोड को नीचे कर देता हूँ। अभी हमारा फॉर्म डॉट पी आई फाइल, व्यूज डॉट पी आई फाइल और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ये टेम्पलेट फाइल है। तो इसमें से हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। फॉर्म अभी हम लोग इसमें आएंगे और इसमें ऐड करेंगे, बट उससे पहले ये नहीं चाहिए मुझे, व्यूज़ व्यूज़ ये वाला। इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, इसमें भी एज इट इज़ जैसे था ये वैसे ही रहेगा। इसमें हमें चेंज करना है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमें इतना सब कुछ नहीं चाहिए। ये जो हमारा तामझाम है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमें नहीं चाहिए। तो ये वाला पूरा का पूरा हम लोग डिलीट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक का कोड मैंने कर दिया डिलीट। अभी हम लोग इसको सेव कर देते हैं और हम लोग सिंपली इसमें क्या करेंगे, फॉर्म, ये मैंने कर दिया फॉर्म, यानी कि जो हमारा फॉर्म यहाँ से आया, यहाँ से वो हमने यहाँ पर डाल दिया। अभी हम इसको सेव करेंगे। सेव करके अगर हम लोग अभी रन करते हैं तो हमें ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और हम लोग सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमें ये एरर इस तरीके से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर व्यू सोर्स में जाते हैं तो यहाँ पर आपको एरर क्लास UL के फॉर्म में मिलता है, जिसमें क्लास है एरर लिस्ट। जो भी एरर आएगा उसमें एरर लिस्ट और इसमें इनपुट में अगर आप देखेंगे, ये पूरा देखिए, मैं इसको जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पर इनपुट में भी ये फॉर्म टैग हो गया, ये हमारा पोस्ट भी सारा, ये हमारा लेबल है, लेबल में कहीं पर आपको दिख रहा है कुछ अलग, कुछ भी नहीं। हमारा ये इनपुट है, इनपुट में भी हमें कुछ भी अलग दिखाई नहीं दे रहा। रिक्वायर्ड हमें दिखाई दे रहा है एक, यहाँ पर ये रिक्वायर्ड होता ही है रिक्वायर्ड के लिए, और यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से मैजिक किक, जो हम लोग इसमें से ऐड करते हैं ये वाला, कि ये हुक हम लोग जब लिखते हैं कि एरर अंडरस्कोर CSS अंडरस्कोर क्लास इक्वल और यहाँ पर एरर, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब जब हम लोग इसको रिफ्रेश करें और इसमें सबमिट में क्लिक करें और इसका सोर्स पेज देखें, तो देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगा, ये हमारा इनपुट, यहाँ से TL, लेबल में कुछ भी नहीं दिखा हमें, क्लास हमारा अभी भी जैसे का था वैसे ही बना रहा है। इनपुट में भी हमें कुछ भी दिखा नहीं, हमें फिर से देखता हूँ मैं, देखिए TR में हमें क्लास एक एरर दिखाई दे रहा है, पहले वाला ये मैंने पहले वाला सोर्स को जब मैंने पहले रखा हुआ दिखा, इसमें TR में कोई भी क्लास नहीं था, बट अब इस TR में क्लास आ गया एक एरर। आप इस एरर का यूज़ करके आप इसमें CSS अप्लाई कर सकते हैं पूरे में। तो पूरे में अगर आपको करना हो तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। ओके, ये वाला आप यूज़ कीजिए क्लास के तौर पर, क्लास नेम के तौर पर। जब भी एरर अक्कर होगा तभी TR क्लास में ये एरर क्लास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अगर जैसे कि अगर ये सिर्फ ऐसे रिफ्रेश है, इसमें कोई एरर नहीं है, और अगर अभी आप देखेंगे तो TR में कोई भी क्लास आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डायनेमिक है, एरर आएगा तो क्लास अपने आप आ जाएगा, फिर उस समय किस तरीके से यहाँ पर ये दिखना चाहिए वह आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरीके से रिक्वायर्ड के लिए भी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना होता है रिक्वायर्ड CSS क्लास इक्वल रिक्वायर्ड, ये लिखिए, सेव कीजिए। इसको हमने रिफ्रेश किया और हम लोग सबमिट में क्लिक करते हैं, तो हमें ये इस तरीके से, हम लोग जब रिफ्रेश व्यू सोर्स करेंगे तो एक एरर और रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड वाला आया, तो हमें रिक्वायर्ड वाला देखने को यहाँ पर मिल रहा है रिक्वायर्ड। तो आप इन दोनों का यूज़ करके इसमें कोई भी CSS अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, तो ये वाला हमें CSS नहीं चाहिए इसमें, ये वाला हमारा अभी किसी काम का नहीं, मतलब काम का है, बट ये देखने के हमें यहाँ आ सकता नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर जो हमारा अपना क्लास है उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो चाहें वह CSS यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ पर जो भी CSS आपको अप्लाई करना हुआ आप कर सकते हैं। जब एरर अक्कर होगा तभी ये CSS अप्लाई होगा, इसी तरीके से रिक्वायर्ड का है, जब रिक्वायर्ड
करोगे तभी वह सी एस अप्लाई होगा इन फील्ड्स पर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप जब प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स में यूज़ करेंगे तो आपको अपने आप और अच्छे बेहतर तरीके से समझ आता जाएगा धीरे धीरे। तो गाइज़ ये था हमारा, ये सब हमने जो देखा अभी सी एस एस और एरर का काम। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, तब हम लोग इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे कि एरर्स को कैसे फिक्स करते हैं। हमारा एरर लिस्ट से ही हमारा काम हो जाता है ज़्यादातर, इसके मैं सकता बहुत कम पड़ती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।